कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पिछले दो दिनों से गुजरात के दौरे पर हैं। राहुल गांधी का आज दौरे का आखिरी दिन है। राहुल गांधी आज गोधरा में रोड शो करेंगे। इसके अलावा वो छोटा उदयपुर, दाहोद, पंचमहल और खेड़ा भी जाएंगे। इन दिनों पक्ष विपक्ष घमासान युद्ध के बीच मंगलवार को भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बेटी की कंपनी की संपत्ति 3 साल में बेहिसाब बढ़ जाने के खुलासे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल भी उठाए। यही नहीं, राहुल गांधी ने वडोदरा में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, पीएम मोदी और राज्य सरकार ने शिक्षा के फोकस को प्रॉफिट बना दिया है। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, गुजरात में सब लोग यही कर रहे हैं, यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य में वास्तव में कोई काम नहीं हुआ है। राहुल ने यह भी कहा कि अगर उनकी सरकार गुजरात में आती है तो वो शिक्षा और रोजगार पर ध्यान देंगे। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।